सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महत्वपूर्ण बैठक की मेरठ मंडल के विधायक और मंत्रियों के साथ। ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। बैठक में विधायकों ने नाराजगी जताई, अफसरों को लेकर विधायकों ने इस दौरान नाराजगी जताई है। अधिकारियों पर मनमानी करने के विधायकों ने आरोप लगाए हैं। शिकायत में अगर सच्चाई पाए जाने पर अब अधिकारियों पर गाज गिरेगी। शाम को प्रयागराज मंडल के विधायकों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधायकों के साथ उन्होंने चर्चा भी की। विधायकों ने इस दौरान नाराजगी जताते हुए अफसरों की मनमानी की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी, जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और मंत्रियों को आश्वासन दिया कि अगर अधिकारियों की गलती पाई जाती है तो फिर अधिकारियों पर गाज जरूर गिरेगी, कार्रवाई जरूर होगी। वहीं आपको बता दें कि आज शाम को प्रयागराज मंडल के विधायकों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की, किस तरह से इस बैठक को देखा जाए, किस तरह से बैठक महत्वपूर्ण? आर्या, देखिए लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में हर मंडलवार समीक्षा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में वो संवाद कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनसे मिल रहे हैं। क्या शिकायतें हैं, क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं, उनको लेकर वो सीधे तौर पर उनके साथ में जुड़ के उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें हार की एक जो बड़ी वजह थी उसमें बताया गया कि अधिकारियों की मनमानी थी, जनप्रतिनिधियों की कहीं पर बात नहीं सुनी जा रही थी और इस तरीके के आरोप लंबे समय से लग रहे थे। अब ऐसे में चुनाव परिणाम आने के बाद में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हर मंडल की जो है वो समीक्षा कर रहे हैं। वहाँ पे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, उनके साथ में वो मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। साफ तौर पर बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं विधायक हैं, मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अधिकारी हैं वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, लापरवाहियां की जा रही हैं, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ रहा है और जब वो इस बात को लेकर वो शिकायत करते हैं तो उनकी बात को अनसुना किया जाता है कहीं ना कहीं। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर निर्देश जो है दिए गए हैं और आश्वासन दिया गया है कि अगर कहीं पर भी किसी भी जिले के अंदर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, कहीं पर इस तरीके की लापरवाही करता है और उसके खिलाफ अगर आप सबूत ला के देंगे तो सरकार उस अधिकारी के खिलाफ जरूर तौर पे जो है जो आवश्यक तौर पे जो है वो कार्रवाई करेगी और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस बात से कहीं ना कहीं जो विधायक है वो सहमत भी नजर आए, हालांकि उनका कहना है कि जब एक विधायक आके कुछ शिकायत कर रहा है तो वो अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए, सबूत जो है देखने का जो काम है वो सरकार का है या अधिकारियों का है, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनके वो देखें, लेकिन लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही थी। और जिस तरह से लगातार अफसरों की तानाशाही का या अफसरों की मनमानी की बात इससे पहले भी सामने आई थी, लगातार जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के आगे उन्होंने इस चीज की शिकायत भी की थी, अब एक बार फिर से जब मेरठ मंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, फिर से यह बात सामने आई है, आगे किस तरह से इस पर एक्शन लेने की कोशिश, किस तरह से तैयारी? बिल्कुल, देखिए सीएम ने भी इस बात का साफ तौर पर आश्वासन अपने जनप्रतिनिधियों को दिया है कि वो जाएं क्षेत्रों में कार्य करें और जहां पर भी कोई भी अधिकारी इस तरीके के लापरवाहियां बरतता है, कहीं पर भ्रष्टाचार करता है तो उसके बारे में वो शिकायत करे, सरकार उस मामले की जांच करेगी और उसमें जो भी अधिकारी पाए जाएंगे कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया है। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।